तो ये लो जी, आप देख रहे होंगे हमारी मम्मी जी भी बन गए हैं बहुत बड़े यूट्यूबर, क्योंकि आज कैमरा संभाल लिया है। रेनू उधर झाड़ू लगा रही थी तो बोली लाओ भाई आज तो वीडियो मैं बना के देखती हूँ कैसा क्या है। तो आप सबकी क्या राय है, मम्मी को एक चैनल खोल के दे देना चाहिए, वो अपना आशीर्वाद देती रहेंगी। हम सब मजाक कर रहे थे मम्मी जी के साथ में। तो ये लो जी, सभी दोस्तों को सुबह सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप देखो आज आए हुए हैं गांव में, पता है आपको। अभी देखो उधर से उसका फोन आ गया था कल से हमको ही कि हाँ भाई आ जा। फिर आया था कल से हमको इधर से दूध लेके गया, कि इधर से दूध लेते हैं ना मम्मी पापा। और ये देखो ये लो जवान, पहचान गए होंगे इस जानवर को आप सब। देखो क्या हालत करेंगे ना तावड़े के मैंने बड़ गो कौन। ये देखो भाई कितनी बढ़िया मिर्च लग रही है, थू थू लाल भी हो रही है इसका तो। जी ये शिमला, बैंगन बैंगन कौन लग रहे है। ये भैंस, और यो ये हमारे खेतरी तहसील का सबसे आलसी बंदा। तो देख लो हमारी तहसील का सबसे आलसी बंदा कौन है बेटा, ये है ना एकदम। हाँ आप बता कौन है सबसे आलसी बंदा। ये देख लो बंद करी ने, तो ये देख लो अभी तक टाइम क्या होगा बेटा, क्या टाइम होगा देख रहे, 6:30 हो गए, 6:30 बजे तक ये लेता है देख लो। और ये पास में बांध जा, ये भी इसके जैसा ही है ना है? ये समझदार है, देखो दिन में भी टॉर्च लेके बैठी है दिखाई नहीं देता है। ये देखो जी मिर्च ले ली है, इनको छूक के खा लेंगे। ये ऐसा आदमी है कि इसके पास आ जाओ कभी भी ये आदमी बिना काम किए हुए जाने नहीं देता। अभी इतनी देर से सो रहा था और मैं जब भी यहाँ से गया तो देखो ये लाइन बदलवाई है पूरी। बोले भाई लाइन बदलवा के जा यार, अब क्या करें बताओ है भाई। मतलब पूरे पैसे वसूलता है, किसी को मिर्च वगैरह कुछ देता है तो सामने वाले से पूरा ये काम। देखो जी आज बन रहे हैं पराठे। ये मिर्च इतनी तीखी को नहीं, और डाल लेते जाए बटे हुए खातर बना रही हूँ ऐसी खाएंगे मिर्च। वो बटे हुए खातर पराठा बन रहा है, हमारा खातर कौन बन रहा है भाई, ये क्या बताया जाए। देसी घी में पराठा बटे हुए खाते बनाएंगे, देसी घी में पराठे बन रहे। वाह भाई वाह कमाल। तो ये देखो जी दामाद जी का नाश्ता डाल दिया है, पराठे और दही, और अभी वो जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कल शाम को आ गए, थोड़े से लेट पहुंचे थे। तो अभी पापा जी कर रहे हैं उनकी जुहारी। ये देखो जी अन्न धूप लागे, मेरी छतरी के नीचे आ जा ना हूं मैं कौन बन सिरो बड़े तावड़ी में। लो जी छाता लेके चल रहे हैं शर्मा जी अपने गांव में, ये गांव की मिट्टी है, गांव की धूप है, काला नहीं करेगी है। धूप लगती है भाई देख लो, मेरे को कलर का फर्क नहीं पड़ता पर इनको अपने कलर का, कलर की बात नहीं है, टैनिंग होने का फर्क पड़ रहा है, धूप की है। हाँ अच्छा, और गवंडी भाई के मांग ले बता रहे, के मांग के ले आओ, मांग के कौन ले आओ, देने जा रहे हो के दे क्या रहे, पेट खाएगी, पेट खाएगी सब। तो इस घर में बनी है पेठे की सब्जी, वहाँ बनी है लौकी, प्याज के पराठे मैंने सुबह बनाए थे। और हम कहाँ जा रहे हैं साहब, खेत में उगे हुए है बाजरा, बाजरा से ज्यादा मूंगफली दिख रही है वैसे ही, मैं मूंगफली पिछले साल बोई थी।
कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं जन्नत। जन्नत जन्नत ही है वो तो। और ये साड़ी कैसी लग रही है बताना आप लोग? एकदम घटिया। जाओ ना थान में पूछी को नहीं, मैं तो इन सबको पूछ रही हूँ मैं तो इन सबको पूछ रही हूँ धूप लग रही है मेरे को भी। अब मैं सोचा इनकी छतरी में आने से बेस्ट कुछ भी नहीं। बोल रहे थे आप हमारी छतरी के नीचे आए तो कुछ नहीं लगता। अच्छा जी, ना धूप लग फड़ी लग रही है, बरसात लगती फड़ी लाग दूंगा भाई। और लाभ के तोड़ रखी हुई गई आते ही कह दो ना लाग रही है, लाग रही गणी आगे ने पूछा को ना आगे की साइड घर वाले आए नहीं तो टूटी नहीं। ये देखो आगे बहुत है, आप छत्ता लेके बैठेंगे अपन, यहाँ से शुरू करेंगे इधर से। लग रही है ना एक दो, तो एक और है बैठे ये देखो नीचे। ये जो फूल हैं ये शायद गांव वाले तो कोई कोई समझ सकता होगा, कितने सुंदर फूल है। कैसा कलर है ये? ब्लू दिखता रहेगा इसमें, मन तो दिख रहे कौन से समूह मेरे को दिख रहे। हाँ तो ये देखो बहुत सुंदर फूल है, ये किसका घास है बता सकते हो कोई? बिल्ली का गा पागा। देखना आपने कमेंट में आ जाएगा कि ये किसका घास बोलते थे, लेकिन मैं बता देता हूँ हमारे बोलते हैं इसका मोर का घास। पता है पहले वाले जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो मतलब खेतों में रहते थे, सब देख लेते थे कि भाई मोर इस घास को खा रहा है, बिल्ली इस घास को खा रही है, तो उसी हिसाब से उनके नाम रखे हुए थे। और ये बहुत सुंदर, सच में सुंदर फूल आते हैं इनके। अभी तो ये बरसात नहीं हुई ना, बरसात होते तो बहुत भयंकर हो जाएंगे। अच्छा और एक चीज़ बताऊँ, ये देखो अपने मूँगफली अपने खेत में, और जो अपनी वो दिख रही है ना टापी जिसको बोलते हैं हमारे झोंपड़ी, ये वाली एकदम पास वाली, इसके सामने से और वहाँ तक वो उस साइड के पोल जा रहे हैं सीमेंट के, यहाँ तक बहुत जल्दी देखो ऊपर टिल्ला काटने का वो हो रहा है, तो बहुत जल्दी इधर से बाग बन जाएगा, पेड़ पौधे लग जाएंगे अपने घर से एकदम पास में दिखेगा, एकदम पास में। थोड़ा सा खेत है बस बीच में, ये थोड़ा सा फार्म हाउस बनेगा जैसे पहले भी फार्म हाउस बनेगा, बहुत अच्छा। तो लो जी नहा धो लिए हैं, और मेरी पता है क्या हुआ, मैं मतलब कुर्ता तो आ गया शायद, मेरी चड्डी बनियान रह गई वहीं पे, कल लेके रखे थे जल्दी जल्दी में और वो रह गई वहीं पे, तो शर्ट मैंने अभी वही पहन ली, क्यों बनियान सूखेगी उसके बाद में कुर्ता पहनेंगे दूसरा। और लो जी माँ जी नहा धो लिए हैं, तो अभी खाना खाएंगे, उससे पहले मैंने सोचा आपको आशीर्वाद दिला देता हूँ। तो आज कई कई दिन आशीर्वाद दे रही हूँ, मैं गलती हो जाओ ना माफ़ करती हो, इतनी यादाश्ती रहे मेरे बड़ा ना राम राम और छोटा ना आशीर्वाद, सब को मेरी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद है। और जो पढ़ लिया लिख लिया मन तो नौकरी मिलो जल्दी, आज मैं पढ़िया है होशियारी हूँ पढ़ो भाई। और आज मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया है, लेकिन अभी मम्मी खाना खाएंगे, हम भी खाना खाएंगे, इसलिए जल्दी से वो नहीं कर पाए, मतलब नाम याद नहीं है, कल देखा था ना उन्होंने आपको, तो कमेंट आया था कि शर्मा जी आपकी मम्मी इस उम्र में इतनी ऐसी हैं, तो जब अपनी उम्र में होंगी मतलब जवान थी तब कितनी सुंदर होंगी, तो सच में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और बहुत ही सुंदर थे। तो चलो अभी खाना डाल लिया है, खा लेते हैं खाना। सुंदर हाथ ना तो हाँ, अब तो भाई उम्र हो गई, और अभी तो मम्मी दवाई लेके आए हैं परसों से, मतलब वो जहाँ से जयपुर की दवाई चल रही थी ना उनसे पूरा फायदा नहीं हुआ, तो अभी सोमवार में जाना मंगलवार में कल फिर से जाएंगी। क्यों फायदा फायदा है ना इससे, इस वाले डॉक्टर से उस वहाँ तो 15,000 रुपये का इंजेक्शन लगता था कैल्शियम के लिए उसके लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा मतलब 4-5 साल होगी, चौथी साल 4 साल से, लेकिन इतना कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पता ही नहीं डॉक्टरों का भी क्या है क्या नहीं है, तो चलो
खा लेते हैं खाना। आ जाओ आप भी, मोस्ट वेलकम।